हेलो, सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन एंड रेडी फॉर योर न्यू सेशन ऑफ स्टडी आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ योर, यू कैन से क्रिसमस ब्रेक और द विंटर ब्रेक। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस और वी विल स्टडी द सेम चैप्टर विच वी ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस वीडियो। चैप्टर बुक इज इकोनॉमिक्स एंड थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। So in previous video already two or three points on the topic we have discussed. So let us take a short recap of that particular topic. We started with the introduction of poverty, that what is poverty, and the scenario of poverty in our country also. For example, when we read this particular topic, we see that every fourth person in our country is belong to be a poor. So we have a very large population, poor population, and for comparing the population and why, how can we consider that particular person is poor? We take up a story of two scenario. One is from urban area, another is from rural areas, and then we discuss the broad meaning of poverty. What does a poverty mean? It does not mean only a lack of money. It means more than that. Because only money is not a criteria to decide that particular person is poor. Apart from money, there are a lot of other things are also we are including which is related to poverty. For example, landlessness, unemployment, helplessness, illiteracy, then size of families also matter, child labor, poor health, all these are the component of poverty, or we can say they are associated with poverty. And then we see how the social scientists see this particular word poverty. For example, it is a very when we say a particular person is poor, a particular person is living in a very poor condition, we think about the we can say lack of food or lack of clothes. But apart from this, there are different we can say circumstances or scenario in which was seen by the social scientist, जिसको उन्होंने ये माना कि हम इनको भी किसमें शामिल करते हैं when we are defining poverty in a broad meaning. So poverty जो social scientist ने देखी, उन्होंने दो scenario में देखी, एक थी social exclusion और दूसरा था vulnerability, और already इसके बारे में discuss कर चुके थे. Then we discuss about the poverty line, and in this particular video also we will discuss we will start our video from this particular word poverty line. So इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों. फर्स्ट वन इज पॉवर्टी लाइन, अनदर वन इज पॉवर्टी एस्टिमेट, एंड थर्ड वन इज वल्नरेबल ग्रुप्स. सो इन दिस प्रीवियस वीडियो पॉवर्टी लाइन जो टॉपिक था वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, एंड इन अ शॉर्ट आई हैव डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉवर्टी लाइन. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो वी विल डिस्कस द सेम टॉपिक, दैट इज पॉवर्टी लाइन. एंड दिस पॉवर्टी लाइन टॉपिक आपकी बुक में है बच्चों, पेज नंबर 31 पर. दैट पॉवर्टी लाइन, हाउ वी मेजर पॉवर्टी लाइन. सो द मेन मेथड या एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है पॉवर्टी लाइन को नापने का या मेजर करने का या एस्टिमेट करने का जो लेवल है वो है इनकम एंड कंजम्पशन. व्हेन पर्सन इज पर्सन हैज अ मोर इनकम एंड मोर कंजम्पशन लेवल, वी कंसिडर दैट पर्टिकुलर पर्सन अबव पॉवर्टी. बट वेन आ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल इज लो, वी कंसिडर अ पर्टिकुलर पर्सन एज बिलो पॉवर्टी. बट वॉट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस इनकम एंड कंजम्पशन? इन ईच एंड एवरी सिनेरियो, और वी कैन से इन ईच एंड एवरी सोसाइटी, जो हमारा पॉवर्टी का एक लाइन है, जो हम पॉवर्टी एस्टिमेट करते हैं, वो हर जगह बच्चों डिफरेंट है. बिकॉज समटाइम्स वी थिंक दैट ओनली टू टाइम ऑफ मील एंड अ गुड हाउस इज इनफ फॉर लिविंग, बट इन टूडे सिनेरियो वी सी दैट दीज टू थिंग्स आर मेन सोर्स ऑफ लिविंग, टू टाइम ऑफ मील एंड अ गुड हाउस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत कुछ हमको चाहिए होता है टू स्पेंड अ गुड लाइफ.
इफ वी हैव लैक ऑफ दोज थिंग्स वी कैन कंसिडर अ पर्सन पुअर. और सोसाइटी के हिसाब से अगर बच्चों कहें तो कंट्री या सोसाइटी के हिसाब से भी पॉवर्टी का जो लाइन है वो चेंज हो जाती है. और ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दैट इन इंडिया इफ एनी पर्टिकुलर फैमिली हैव अ कार और वी कंसिडर कार एज अ लग्जरी आइटम कि वो हमारे लिए जरूरी नहीं है. वी कैन लिव और वी कैन सर्वाइव विदाउट अ कार. बट अगर हम अमेरिका जैसे कंट्री की बात करें तो इन अमेरिका कार इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ वेरी असेंशियल आइटम. सो इफ वी सी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन अमेरिकन कल्चर तो वहां पर कार होना इज अ वेरी असेंशियल थिंग. इफ समवन हैज नॉट ओइंग अ फोर व्हीलर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कंसिडर्ड द बिलो पॉवर्टी लाइन. बट इन इंडिया दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी लाइन. सो इफ वी कंसिडर फॉर इन अवर कंट्री तो हमारे देश के अंदर हम पॉवर्टी लाइन बच्चों किससे डिसाइड करते हैं. इन अवर कंट्री द पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय द मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, देन क्लोदिंग, फुटवेयर, मेडिकल फैसिलिटीज, देन एजुकेशनल फैसिलिटी एंड फ्यूअल एंड लाइट रिक्वायरमेंट. ये हमारी क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट. ये हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, फैमिली को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है. और ये इन सबको, ये जो हमने जिनका भी अभी नाम लिया, जो भी हमारी दिस रिक्वायरमेंट्स वी मल्टीप्लाई देम इन अ प्राइस. उनको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मनी से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ फोर मेंबर इन अ फैमिली, उनकी मिनिमम जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मनी से. हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द नीड ऑफ द फूड फॉर द फोर पर्सन इन अ फैमिली. इसी तरह से फ्यूल है या मेडिकल फैसिलिटी है या आपका क्लोथ है, फुटवेयर है, इन सबको भी हम किस में काउंट करते हैं, देन उस रिक्वायरमेंट को वी मल्टीप्लाई दैट रिक्वायरमेंट विद मनी. बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट फूड तो फूड के अंदर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट जिसको एक तरह से बेस मान के चलती है बच्चों फूड के अंदर, वो है हमारा कैलोरी काउंट. दैट हाउ मच फूड इज अवेलेबल फॉर अ पर्सन. बट उस फूड के साथ साथ क्या जरूरी है, हाउ मच द कैलोरी कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डाइट और पर्टिकुलर फूड, कितनी कैलोरी आ रही है. सो वेन वी टेक अप अ रिक्वायरमेंट ऑफ अवर फूड तो उसके लिए सबसे जो बेसिक एलिमेंट है बच्चों, वो क्या है, हमारा कैलोरी काउंट. कि एटलीस्ट दिस मच कैलोरी फूड एक पर्सन को, एक एडल्ट पर्सन को एक दिन में चाहिए. एंड दिस कैलोरी काउंट है, जो कैलोरी नीड है, दैट वॉज डिसाइडेड बाय डिफरेंट फूड सिस्टम. इसमें आपके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, सीरियल्स है, आपका मिल्क है, इट और एनी ऑल द थिंग्स, और बहुत सारी चीजें हैं, उस सबको हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें शामिल करते हैं, देन वी टेक अ कैलोरी काउंट. अब अगर कैलोरी नीड की बात करें या कैलोरी काउंट की बात करें तो दिस कैलोरी नीड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, देन आपका प्रोफेशन, देन अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर डू यू लिव एंड टाइप ऑफ वर्क, आप कैसा काम करते हैं, उसके हिसाब से ये तय होता है हाउ मच कैलोरी आप डेवलप्ड पर्सन नीड, कितनी कैलोरी उसको चाहिए एक एडल्ट पर्सन. सो इन इंडिया द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट बच्चों क्या है, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे चाहिए इफ पर्सन यूज टू लिव इन अ रूरल एरिया, यानी कि गांव में रह रहा है तो एक बंदे को कितनी कैलोरी चाहिए एक दिन में, 2400. मींस वो ऐसा खाना खाए जिससे उसको एक दिन में 2400 कैलोरी मिले. एंड इन अर्बन एरिया इफ अ पर्सन इज हेल्दी एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड अ फूड, और उस फूड से कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए उसको, 2100. सो दिस इज आर कैलोरी काउंट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री. गांव में अगर कोई रह रहा है उसको कितना कैलोरी चाहिए, 2400.
और शहर में रह रहा है तो उसको 2100। नाउ अब इस कैलोरी काउंट को ध्यान में रख के वी विल डिसाइड विच टाइप ऑफ फूड अ पर्सन शुड इनटेक और टेक। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैलोरी काउंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। सो बिकॉज इन रूरल एरिया गांव के अंदर पीपल यूज टू डू मोर लेबर, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, इसलिए वहां पर कैलोरी रिक्वायरमेंट बच्चों ज्यादा होती है। एंड इन सिटीज वर्क यहाँ पर भी करते हैं, बट वी आर डूइंग हियर मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क, हमारा फिजिकल लेबर कम होती है और मेंटल वर्क ज्यादा। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कैलोरी काउंट इन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो अब इस 2400 और 2100 कैलोरी वाले फूड के लिए हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, क्लियर? द मनी विच वॉज एक्सपेंड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि कितना होना चाहिए। अभी कैलोरी काउंट और उससे रिलेटेड जो मनी है दैट वॉज रिवाइज पीरियोडिकली। कैलोरी काउंट तो फिर भी वही रहता है, बट इसके लिए जो इतना खाना एक दिन में खाने के लिए जो मनी रिक्वायरमेंट है बच्चों वो चेंज होती रहती है। उसका बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन है दैट द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग, पैसों का, रुपए की वैल्यू चेंज हो रही है और मार्केट में भी कैन से महंगाई हो रही है, सामान की जो रेट है वो भी अप एंड डाउन हो रही है। दैट्स वाई जो रुपीज में जो काउंट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बिकॉज इन अगर अगर इफ यू हैव अ ओल्ड बुक्स, पुरानी बुक्स के अंदर डेटा अलग है और नई बुक्स में डेटा इसका अलग है, क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन गवर्नमेंट का ईयर 2011-12 के हिसाब से अ पर्सन विच इज अर्निंग 816 रुपीज पर मंथ, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एक महीने में कितना कमा रहा है, 816 रुपीज पर मंथ। इन विच एरिया? इन रूरल एरिया। और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज। सो दिस पर्टिकुलर मनी इज सफिशियंट फॉर बाइंग द फूड, और वो कौन सा फूड जिसमें कैलोरी काउंट फॉर द सिटी 2100 एंड फॉर द विलेज 2004। सो नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सिटी के अंदर कैलोरी तो कम चाहिए खाने की, ओनली 2100, बट मनी रिक्वायरमेंट इज मोर देन अर्बन रूरल एरिया। सो उसका मेन रीजन क्या है? दैट जो इटेबल आइटम्स है, जो खाने का सामान है, कई बार बच्चों को गाँव में सस्ता मिलता है और शहरों में महंगा मिलता है। दैट्स वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। So, if a family which have 5 member and used to live in a rural area, तो उन कम से कम एक महीने में कितना मनी चाहिए? That is 4080 rupees. At least they should have in their pocket to take that particular amount of food. Clear? And in urban area, if a particular family has a 5 member उस family में है, तो उस family को कितनी requirement है? कम से कम at least 5000 rupees per month they are investing only in their food. So this food is the basic requirement, and this criteria was changed by the government periodically due to the we can say change in a value of rupees. So the poverty line is also changed, and this poverty line is estimated by the government agencies. Poverty line estimated periodically, और कितने सालों में बच्चों poverty line को change करा जाता है या उसका revise होती है? Every 5 year, हर 5 साल में poverty line को हम क्या करते हैं, revise करते हैं according to the particular scenario of that time in a country. And this poverty estimation का या poverty line का survey कौन करता है? It was organized by the organization which come under the government of India,
and the name of organization is National Sample Survey Organization, NSSO. Now, if we talk about this poverty line in a global level, we compare this poverty line with other countries of the world, so World Bank ne kya decide kiya hai? World Bank has set a uniform standard of poverty line for each and every country, that a person, agar koi person at least ek din mein kitna kamata hai, $1.90 a day, then that particular person is above the poverty line. और अगर वो पर्सन $1.90 कमाने में फेल होता है या ही वॉज नॉट एबल टू अर्न सच अमाउंट ऑफ मनी, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कंसिडर बिलो पॉवर्टी लाइन. सो इन पॉवर्टी लाइन व्हाट वी सी दैट इफ अ पर्सन है, इफ अ फैमिली और इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज अर्निंग 816 रुपीज पर मंथ, that particular person is above poverty line, or we can say coming at a edge of poverty line. Aur agar shaharon mein ki baat kare to city ke andar bhi, if any person is earning 1000 rupee in a one month, at least that particular person is at a edge of poverty. To poverty line ke estimation ka jo money hai requirement का वो कितना है, फॉर वन पर्सन 816 और फॉर अ फैमिली जिसमें 5 मेंबर्स है, दैट इज 4080 रुपीज इन रूरल एरिया. और इन अर्बन एरिया इफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स तो उनको कितना चाहिए बच्चों, 5000 रुपीज. सो दिस इज वी कैन से अवर पॉवर्टी लाइन. इन दिस वे वी एस्टिमेट अवर पॉवर्टी लाइन. नेक्स्ट, पॉवर्टी एस्टिमेट. Now, poverty estimate, how many people in our country are coming above poverty line and how many people in our country are coming below poverty line. So, if we come according to your book, table 3.1 ko agar hum padhte hain, ya we just look at this particular table, it is very clear that poverty is declining, the ratio of poverty is declining day by day. In India, पॉवर्टी 93-94 में बच्चों थी, एटलीस्ट एवरेज है 45%, जो कम होके कितनी हो गई, 37.2% इन 2004 एंड 5. एंड द पर्सन दोज हु यूज टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, उसका प्रपोर्शन भी कम हो गया. कितना हो गया, 21.9% प्रपोर्शन है हमारे यहाँ पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन रहने का in 2011-12. और अकॉर्डिंग टू योर बुक, इफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज कंटिन्यू, की जैसे इस तरह से अगर कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उनका नंबर डे बाय डे अगर कम होता जाएगा, तो वी कैन एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स. क्लियर? सो एस्टिमेट का यहाँ मतलब है, पॉवर्टी एस्टिमेट का मतलब है हाउ मेनी पीपल यूज टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो हमारा एवरेज लेवल है पॉवर्टी का, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. नाउ पीपल आर कमिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल इन देयर इनकम एंड कंजम्पशन, जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है इन अवर कंट्री. सो टेबल 3.1 यू कैन सी द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन. In this particular table, you can see on a page number 33, there is a, you can see a data, 1993 से लेकर 2011-12 तक का data है, और you can see that every year poverty ratio कम होता जा रहा है. If you see the table in 1993-94, जो poverty का ratio है वो है 45%, और 2011-12 में कितना हो गया बच्चों, 22%. क्लियर? मिलियंस में भी दिया हुआ है और आपका परसेंटेज में भी दिया हुआ है. सो व्हाई पर्टिकुलर, सीइंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ, वी कैन से दैट इन अवर कंट्री पॉवर्टी का जो
लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. नाउ कम्स टू अवर थर्ड टॉपिक, दैट इज वल्नरेबल ग्रुप्स. नेक्स्ट, ऑलरेडी वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर वर्ड वल्नरेबल. हु वल्नरेबल मीन्स हु आर द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप. द पर्सन विच इज द वेरी फर्स्ट अफेक्टेड. सो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल यूज टू लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन आर नॉट सेम एट ऑल द सोशल ग्रुप. इन ईच एंड एवरी सोशल ग्रुप जो परसेंटेज है बिलो पॉवर्टी लाइन का वो एक जैसा नहीं है बच्चों. इन सम ग्रुप मोर पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इन सम ग्रुप लेस पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन. सो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, विच आर द सोशल ग्रुप्स जो सबसे ज्यादा पुअर हैं या विच आर मोर प्रोन टू द पॉवर्टी. सो इन अवर कंट्री द पर्टिकुलर ग्रुप विच वी कंसिडर एज अ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हैं जो कि वी कैन से दे आर मोर प्रोन टू द पॉवर्टी और दे आर वल्नरेबल टू द पॉवर्टी लाइन. दे आर एग्रीकल्चर लेबर, लेबर यूज टू लिव. एग्रीकल्चर लेबर कौन है बच्चों? जिनके पास में अपनी जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं एज अ लेबर, दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चर लेबर. देन कैजुअल लेबर इज ऑल्सो इन अर्बन एरिया, दे आर ऑल्सो कम इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. कौन सा ग्रुप? वल्नरेबल ग्रुप. दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी. अगेन हियर इज अ ग्राफ 3.1 एंड इन दिस 3.1 का जो आपका ग्राफ है पेज नंबर 33 पर जो बच्चों बना हुआ है, यू कैन सी देयर आर सम ग्रुप विच आर मोर वल्नरेबल टू द पॉवर्टी. फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल ट्राइब्स इन रूरल इंडिया, दैट इज 43%. देन शेड्यूल कास्ट इन अवर कंट्री 29%, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन. जबकि एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो 22% है. तो अब आप बच्चों देख लो ये दोनों ही जो ग्रुप है दे आर मोर प्रोन टू कम इन अ पुअर फैमिली और पुअर ग्रुप और वी कैन से दे ऑल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. सिमिलरली एग्रीकल्चर लेबर जो हमारी कंट्री में रूरल यानी कि गांव के अंदर वो कितना परसेंट है? 40%. और कैजुअल लेबर अर्बन, कैजुअल लेबर बच्चों जो डे टू डे वेजेस लेते हैं जिनको कहते हैं दिहाड़ी मजदूरी या जो स्ट्रीट वेंडर है या जो हमको एज अ लेबर वी यूज टू टेक देम फॉर आवर ओन वर्क, दे आर ऑल्सो कम डिफाइन एज अ कैजुअल लेबर इन अर्बन एरिया. तो इनका कितना परसेंट है बच्चों? 33. सो बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ विच फॉर द पॉवर्टी लाइन वी कैन से कि ज्यादातर जो गरीब फैमिलीज हैं या फैमिली विच आर कमिंग अंडर द पॉवर्टी लाइन दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, देन एग्रीकल्चर लेबर एंड कैजुअल लेबर. तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स तो एक तरह से बच्चों सोशल ग्रुप है जो कि मोर वल्नरेबल टू द पॉवर्टी. इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रुप, तो इकोनॉमिक ग्रुप में कौन सा है बच्चों? एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल एरिया एंड कैजुअल लेबर इन अर्बन एरिया, दे आर मोर प्रोन टू द पॉवर्टी. सो अगेन उसी के बारे में आपका ये पैराग्राफ है बच्चों पेज नंबर 33 पर राइट हैंड साइड में, दैट अ ग्राफ 3.1 शो द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल द फोर ग्रुप्स. इंडिया की एवरेज पॉवर्टी की एस्टिमेशन क्या है? 22%. That means in every 100%, every 100%, 22% belong to a poor family or we can say they are coming under the below poverty. So now, उसमें से 43 कौन है? Belong to scheduled tribes. 29 belong to scheduled caste. इसके अलावा 40% लोग दे आर बिलोंगिंग टू दी एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल एरिया गाँव के अंदर, और शहरों की बात करें तो दे आर कैजुअल लेबर्स. ऑल दीज जो हमने ग्रुप्स की बात करी चारों ग्रुप, ऑल दीज ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज्ड
वी कैन से आ सोशल ग्रुप जिनको की बेसिक फैसिलिटियां नहीं मिलती हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक द बेसिक फैसिलिटी फॉर देमसेल्फ. नाउ सम स्टडी, कुछ जो हमारे सर्वे हैं वो क्या बताते हैं, दैट अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, कैजुअल लेबर एंड लैंडलेस लेबर, इन सब इन तीनों ग्रुप में पॉवर्टी का डिक्लाइन हुआ है. बट शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रपोर्शन पहले था बच्चों, वही प्रपोर्शन आज भी है. बट अदर थ्री ग्रुप्स, शेड्यूल्ड कास्ट, अर्बन कैजुअल वर्कर्स एंड लैंडलेस लेबर्स, इनकी प्रपोर्शन में जो लोग हैं उनका जो परसेंटेज है वो क्या हो गया है, कम हो गया. अब इन सब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस फोर ग्रुप्स विच आर मोर वल्नरेबल टू दी पॉवर्टी, जो कि ज्यादा गरीब माने जाते हैं हमारी कंट्री में, देयर आर सम पुअर फैमिलीज के अलावा, इन चारों के अलावा कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हम मानते हैं दे आर ऑल्सो कम इन अ पुअर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. वीमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल, ये वो तीन ग्रुप है विच आर सिस्टमेटिकली डिनाइड द इक्वल असेस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फैमिली. इन तीनों को, किस किस को, एक तो वीमेन, औरतें, एल्डरली पीपल यानी कि बूढ़े लोग, एंड फीमेल इन्फेंट्स जो छोटी बच्चियां होती हैं अप टू द ईयर ऑफ 2 ईयर्स ऑफ एज, फ्रॉम द बॉर्न 1 महीने से लेके 1 या 1.5 साल तक की जो बच्चियां, ये तीन बच्चों वो ग्रुप है सोसाइटी के जो कि सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज्ड है अपार्ट फ्रॉम दीज फोर ग्रुप्स. वो उनको अपनी फैमिली के अंदर ही इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. दैट्स व्हाई वीमेन, एल्डरली चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल एंड इन्फेंट गर्ल्स, बच्चियां, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों के भी गरीब माना जाता है इन तीन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दोबारा बता रही हूँ कौन कौन है, एल्डरली पीपल, देन वीमेन एंड इन्फेंट बेबी चाइल्ड, बच्चियां, इनको हम क्या मानते हैं, गरीब. और उससे रिलेटेड बच्चों की स्टोरी भी है श्रीनिवासन की, छोटा सा एक साउथ इंडियन विलेज में वो रहता है, एंड ही वॉज अ कॉबलर, मोची है, एंड यूज टू डू अ वर्क एज अ एग्रीकल्चर लेबर वेयर ही यूज टू अर्न ओनली 50 रुपीज अ डे, एंड वो भी महीने में 6 या 7 दिन उसको काम मिलता है, 6 या 7 महीने काम मिलता है, उस बाकी के जो भी 3 या 4 मंथ है ही यूज टू सिट आइडल, अदरवाइज ही यूज टू गो टू टाउन कि वहां पर उसको कुछ मजदूरी मिल जाए. उसकी वाइफ भी काम करती है, एंड दे हैव नॉट अ वेरी मच अमाउंट ऑफ मनी टू सर्वाइव देयर फैमिली. 8 मेंबर की फैमिली है बच्चों की. उसके साथ उसकी 65-year-old मदर भी रहती है, उसके अलावा उसके अनमैरिड एक सिस्टर भी है 25-year-old की. अपार्ट फ्रॉम दिस 4 उसके अपने चिल्ड्रंस भी हैं, 4 बच्चे हैं जिनकी एज है 16 से लेके 1 ईयर, एंड ऑल आर वेरी पुअर. They are not going to any school. They used to help with their mother. And उसकी जो मदर है श्रीनिवासन की, बूढ़ी है, बीमार है, बट उसके पास इतना मनी नहीं है कि वो उसका अच्छा मेडिकल फैसिलिटी अवेल करा सके. And apart from this, in this story, it is written that though he was not able to send his girl child school, but वो किस चीज के लिए तैयार है कि जब उसके बच्चा बड़ा होगा उस लड़के को वो स्कूल भेजेगा और उसके लिए मिल्क भी अरेंज करेगा, न्यूट्रिशन फूड भी अरेंज करेगा, बट ही विल नॉट अरेंज अ गुड फूड और एजुकेशन फॉर अ गर्ल चाइल्ड, जो उसकी 3 लड़कियां हैं. सो बाय सीइंग दिस स्टोरी वी कैन से दैट दीज 3 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी are also coming poorest of the
पुअर. सो दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप्स इन अवर सोसाइटी, जो कि सबसे ज्यादा हम जिनको मानते हैं पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी.